21। जब तक नितांत आवश्यक ना हो रेल यात्रा करने से परहेज करें। यात्रा आरंभ करने से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि आपको बुखार या कोरोना वायरस का अन्य कोई लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ या खांसी ना हो। सहयात्रियों से उचित दूरी बनाकर रखें तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। अगर यात्रा के दौरान ऐसा कोई लक्षण लगे तो तुरंत नजदीकी रेल कर्मचारी से संपर्क करें, जिससे आपको तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। आइए मिलकर अपने आप को और देश को सुरक्षित बनाएं। भारतीय रेल द्वारा। खास मुलाकात रात 9 बजे। सुख समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाए किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शमसी और न्यूज 21 के इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत जरीडी पंचायत के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुखिया श्री रमेश कुमार कुशवाहा जी। आइए कुशवाहा जी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अपने पंचायत में इन्होंने पंचायत स्तर पर कौन कौन से चुनिंदा काम किए हैं। कुशवाहा जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले चाहेंगे कुशवाहा जी कि आप हमारे दर्शकों से अपने पंचायत के बारे में कुछ बातें रखें। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इतने दूर आकर के हमारे पंचायत को और पंचायत की चीजों को आम लोगों तक पहुंचाने का अपने चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। हमारा पंचायत जमुआ प्रखंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इस पंचायत में कुल 9 गाँव हैं, जिसमें 14 वार्ड है और 2 पंचायत समिति है। और 32 साल के बाद जब चुनाव हुआ तो ये पंचायत का नया गठन हुआ है। इससे पहले हम रुदुमा पंचायत में थे, तो नवगठित पंचायत था। पहली बार 2010 में यहाँ चुनाव हुआ, तो उसके बाद फिर जब दोबारा 15 में चुनाव हुआ उस दौरान हम जीत करके यहाँ पर आए और हमने प्रयास किया है कि अपने पंचायत का चहुमुखी विकास किस तरीके से हो सकता है हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क बिजली को लेकर हो, आम लोगों की जरूरतें की चीज़ हो, चाहे पेंशन हो, राशन कार्ड हो, शौचालय हो, आवास हो, इस तरह का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ये है रमेश कुमार कुशवाहा जी जो अपने पंचायत जरूरी के विषय में हम लोगों को बता रहे हैं। धन्यवाद। आइए रमेश जी से बात करते हैं और जानते हैं कि पंचायत स्तर पर इन्होंने कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य किए हैं जिससे इस पंचायत की जनता लाभान्वित हुई है और हो रही है। कुशवाहा जी, जी बताएंगे। पहली बात है, जब चुनाव होने के बाद जो हमने पूरे पंचायत का भ्रमण किया और प्रचार के दौरान भी हमने देखा था कि पंचायत के सभी गाँव में सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमारा प्रयास रहा पहले तो ऊपर के स्तर से जो हम नहीं कर सकते थे, बड़ी बड़ी सड़कें थी, तो माननीय विधायक जी या सांसद महोदय या जिला से संपर्क करके हमारे पंचायत में 2 प्रधानमंत्री सड़क योजना, 1 6 किलोमीटर और 1 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर की रोड हमारे यहाँ बन पाया। पानी को लेकर के सरकार पिछले 5 सालों से जल संरक्षण को लेकर के काम कर रहा था, तो भूमि संरक्षण विभाग से हम लोगों ने संपर्क करके पंचायत के लोगों के सहयोग से बहुत बड़ा 4.5 एकड़ का तालाब उसका भी गहरीकरण और 1 चेकडैम का निर्माण वो बाहर के स्तर से हुआ। इसके बाद लगातार हम लोग जल संरक्षण को लेकर के मनरेगा के तहत 2 बार DCB और समतलीकरण कर रहे हैं ताकि जल संरक्षण हमारा हो सके। अभी 15वें वित्त आयोग में भी जो हम लोग को पैसा मिला जल संरक्षण को लेकर के था कि 100 फीट वगैरह का निर्माण करें ताकि जो छोटे छोटे चापाकल हैं वहाँ से पानी हमारा बह जा रहा है उसको हम कैसे पानी को वापस जमीन में डाल के जमीन को रिचार्ज कर सकते हैं, पानी को ऊपर ला सकते हैं। तो इसके तहत हम लोगों ने अपने पंचायत के सभी सरकारी बिल्डिंग्स और जो सरकारी सार्वजनिक कूप और चापाकल थे उसमें लगभग 170 गड्ढा और 17 वाटर हार्वेस्टिंग का भी निर्माण किया।
इसके बाद जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के क्रम में हम लोगों ने प्रवासी लोगों को काम देने के लिए बड़े पैमाने पर टीसी का काम भी अपने क्षेत्र में किया। 5 हमारे यहाँ आम बागवानी का भी लगा, जो भी बहुत ही अच्छे ढंग से बागवानी चल रहा है और अच्छा ग्रोथ रहा है। लोग का भी लोग तो उसका देखभाल भी बढ़िया से कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रयास किया कि जो हमारे यहाँ विधवा महिलाएं, उनका पेंशन नहीं था, वृद्ध लोग थे, पेंशन नहीं था, तो स्टार्टिंग दौर में जब एक बार ही हम लोग से पासपोर्ट आया तो बल्क मात्रा में लगभग 300-400 लोगों का हमने विधवा वृद्धा पेंशन एक साथ में वो हो पाया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे पंचायत में 800 शौचालय का निर्माण सभी गांवों में हुआ है। करीब करीब जितने भी योग्य लाभुक थे सबके घर में हमारा शौचालय निर्मित है। अभी हम लोगों ने एक सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया ताकि जो लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं था, वो शौचालय नहीं बना पाए थे, वो सामुदायिक शौचालय का उपयोग करें और ODF का जो स्टेटस है उसको हम लोग बनाए रख सकें। इसके बाद हमारे जो स्कूल्स हैं, स्कूल को भी हमने फंक्शन करने का प्रयास किया और एक आंगनवाड़ी केंद्र और एक स्कूल को हम मॉडल के रूप में विकसित करने का काम कर रहे हैं ताकि वहाँ पर सारी सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूलों में दिखता है वो हम सरकारी स्कूल में दे सकें ताकि बच्चे हमारे इससे ज़्यादा जुड़ सकें। स्कूल का बाउंड्री वॉल, उसका आंगन में बढ़िया से फ्लोरिंग करने का काम और वॉल पेंटिंग वगैरह काम करके और स्वच्छ और सुंदर विद्यालय बनाने का हमने प्रयास किया है। और धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि इस तरह के पंचायत के सारे आंगनवाड़ी केंद्र और सारे विद्यालय को हम डेवलप करें। रमेश कुमार कुशवाहा जिरडी पंचायत के कर्मठ और लोकप्रिय मुखिया, अपने पंचायत जिरडी में इन्होंने जो काम किए हैं पिछले लगभग 5 वर्षों में उन्हें विस्तार से हम सभी के सामने रख रहे थे और निसंदेह इनका जो कार्य है वो बिल्कुल सराहनीय है। एक बहुत ही शिक्षित योग्य कर्मठ मुखिया हैं कुशवाहा जी और इन्होंने अपने पंचायत स्तर पर कई जन कल्याणकारी कार्य किए हैं और इनके बारे में विस्तार से यह भी हम लोगों को बता रहे हैं। धन्यवाद। जमुआ प्रखंड अंतर्गत जरीडी पंचायत के मुखिया रमेश कुमार कुशवाहा पिछले कई वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और ये एक जागो फाउंडेशन NGO के सदस्य भी शुरू से रहे हैं और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्होंने काम भी किया है। आइए बात करते हैं कुशवाहा जी से और जानते हैं जागो फाउंडेशन के बारे में क्या इनकी राय है और क्या ही कहते हैं। कुशवाहा जी जानना चाहेंगे जागो फाउंडेशन के बारे में। जागो फाउंडेशन का गठन 1997 में हुआ था और उस दौरान इस क्षेत्र में गिरिडीह जिला शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछड़ा था, तो शिक्षा को हम लोगों ने और पर्यावरण को लेकर के हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था कि इस क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार हम कैसे कर सकते हैं, आम गरीब लोगों तक, गरीब के बच्चे कैसे स्कूल से जुड़ सकते हैं और जो हमारा पर्यावरण निरंतर बिगड़ रहा है, जंगलों की कटाई निरंतर हो रही है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो कवाड़ धनेगी क्षेत्र से हम लोगों ने छोटे से एरिया से काम किया और धीरे धीरे आज हम लोग राज्य के कई जिलों में काम कर रहे हैं और जिले में हमारा अभी बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, बच्चों के अधिकार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कई सारे कार्यक्रम हमारा चल रहा है। रिसेंट बच्चों को लेकर के रिसेंट का कार्यक्रम जिसे चला जिसको हम लोगों ने, हम उसका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी रहे, जगुआ ब्लॉक के कई पंचायतों में हम लोगों ने इस दौरान काम किया। अभी हम लोग उसमें तीसरी और गावा ब्लॉक में जो माइनिंग में काम करने वाले बच्चे हैं तो उनको लेकर के काम कर रहे हैं कि वो बच्चे स्कूल से कैसे जुड़ सकें, क्योंकि वहाँ पर जो लाइवलीहुड का जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। उन लोगों की स्थिति जब तक वो मायका चुनेंगे नहीं, उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, वैसे परिस्थिति में पूरा का पूरा परिवार मायका का ढिबरा चुनने में वो लोग लगा देते हैं। तो हम लोग उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं कि उनको स्कूल से, आंगनवाड़ी से जोड़ सकें और उनकी लाइवलीहुड को भी कैसे सस्टेन कर सकें, इसको लेकर के लगातार संस्था हमारी काम कर रही है। पिछले दिनों में हम लोगों ने लेप्रोसी लोगों के साथ भी किया काम, जो कुष्ठ रोगी हैं जिनको समाज से वंचित कर दिया जाता है, समाज में उनको एकदम हीन भावना से देखते हैं, कमजोरों, धनबाद, जामताड़ा, इन 3 जिलों में हम लोगों ने लेप्रोसी लोगों के साथ भी काम किया, उसको भी हम लोगों ने काम किया कि उनको मेन स्ट्रीम में कैसे ला सकें, क्योंकि आज के टाइम कुष्ठ रोग का नाम सुनते ही लोग उनसे घृणा करने लगते हैं, उनसे छूना नहीं चाहते हैं।
तो वैसे लोगों के साथ जा करके उनको छोटे छोटे इंटरप्राइज करके कि अगर आप ठीक है सब्जी बेच सकते हैं, अगर आप ठेला में आप कोई काम कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, सुअर पालन कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम जान सकते हैं, तो हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग भी दिया। और सिर्फ नाम की एक संस्था है साथ साथ ऑल इंडिया लिटरेसी फाउंडेशन नई दिल्ली की संस्था, इसके माध्यम से उनके साथ जो होती है हम लोगों ने कुछ फंड भी रेज कराया। और वो फंड मिलने के बाद उनको छोटे छोटे स्तर से छोटा व्यवसाय स्टार्ट किया, मसाला पीसने का काम हो गया, सिलाई का काम हो गया, और फेरी में भी काम करते हैं, कपड़ा खरीद कर भी गांठ में लेकर के बाजार में जाकर के वो बेचने का काम करते हैं। तो धीरे धीरे वो लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ना स्टार्ट हो गए, उनको भी लगने लगा कि हमारे पति को एक सोच रहा है, कोई देख रहा है, और हमारा भी अपना एक वो है कि वो विरासा उनसे करा। मुखिया जी, निसंदेह आपकी जो जो संस्था है जागो फाउंडेशन, इनके बारे में हमने सुना और सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि सामाजिक कार्य इतनी आसानी के साथ और इतना गंभीर होकर काम कर रही है यह संस्था, और इसके परिणाम जो सकारात्मक रूप से हम लोगों के सामने आ रहे हैं, जन कल्याण का काम जो ये जागो फाउंडेशन कर रहा है निसंदेह सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी संस्था आपके संस्था को धन्यवाद करता हूँ कि जनता के लिए, आम जनता के लिए, समाज के दबे कुचलों के लिए, गरीबों के लिए, असहाय के लिए, पीड़ित के लिए जो आप आवाज़ उठाते हैं अपनी संस्था की तरफ से, वो निसंदेह काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है। मैं अपने चैनल की तरफ से आपको और आपकी संस्था दोनों को बधाई देता हूँ, और आप दोनों ही बधाई के पात्र हैं। रमेश जी, जानना चाहेंगे कि पंचायत स्तर पर पंचायती राज में एक मुखिया का क्या रोल होता है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जो मुखिया है वो पूरे पंचायत के विकास में अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि सभी ग्राम सभा के अध्यक्ष हमारे मुखिया होते हैं, और वो जिस तरीके से अगर चाहें तो पंचायत के जो भी मिलने वाले संसाधन हैं, इस संसाधन से जो पंचायत की छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको वो पूरी तरह से करने में सक्षम है, वो दूर कर सकते हैं। लेकिन है कि वो अपने जो ताकत को समझे कि जो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के मुखिया को क्या पावर है, किस तरीके से उनको काम करना है, अगर उनके पास इस बात की समझ बनेगी, पंचायती राज व्यवस्था को पूरा वो जानेंगे, तो हर मुखिया चाहे तो वो धीरे धीरे करके अपने पंचायत की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। पंचायती राज में क्या होता है एक मुखिया का योगदान और रोल, ये बता रहे थे हमारे जलडी पंचायत के मुखिया रमेश कुमार कुशवाहा जी। जमुआ प्रखंड अंतर्गत जरेडी पंचायत, रमेश कुमार कुशवाहा जी मुखिया यहाँ के। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे ये सामुदायिक शौचालय आम जनता के लिए यहाँ के मुखिया ने निर्मित करवाया है। बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्या है इनकी सोच किस विषय में। मुखिया जी, ये शौचालय इसी साल अभी बन के तैयार हुआ है, लॉकडाउन के टाइम में सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम गरीब कल्याण रोजगार योजना चला, ताकि जो प्रवासी लोग हैं उनको हम काम भी दे सकें और कुछ एक यूनिक चीज़ यहाँ पर बन सके। सरकार की दो सोचती इसके पीछे, दोनों सोचती उसी के तहत ये सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हम लोगों ने घर घर शौचालय दिया, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन का प्रॉब्लम या अन्य कोई कारण है जिसकी वजह से उनका शौचालय नहीं बन पाया, तो वैसे लोगों के लिए ये सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है ताकि वो लोग इसका उपयोग कर सकें और पूरा देश, पूरा झारखंड, पूरा गांव शौच से मुक्त, मतलब खुले में शौच से मुक्त हो सके, उसी के तहत हम लोगों ने। अब ये गांधी जी जो कि स्वच्छता के प्रांगण में कर रहे हैं, लोगों को उन्होंने स्वच्छता के बारे में बहुत बड़ा मैसेज किया है, इतने काबिल बैरिस्टर होने के बाद, इतने काबिल जननेता होने के बाद भी इन्होंने स्वच्छता जैसे एक महत्वपूर्ण काम को अपने जीवन का एक अंग बनाया, इसी से प्रेरणा लेकर के हमने भी अपने प्रयास को यहाँ पर लगाया है। बेहतर से बेहतर बधाई देता हूँ सरकार की सोच को, बधाई देता हूँ आपको भी, यहाँ के लोगों के लिए और मजदूरों के लिए आपने जो काम किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण हुआ है, बहुत ही अच्छी सोच और अच्छी पहल है, जनता इससे पूरी तरह से लाभान्वित हो रही है। हर पंचायत में अगर इस तरह का आप मिले तो
और निश्चित रूप से झारखंड पूरे देश में एक अलग पहचान बनाएगा। मैं इस समय जरीडी पंचायत में मौजूद हूं और मेरे साथ इस समय मुखिया कुशवाहा जी भी हैं। आइए बात करते हैं इनसे, जो इन्होंने पंचायत भवन परिसर में सौंदर्यकरण का काम करवाना शुरू किया है। देखिए आप एक बार, ये वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है और उस तरफ से आप देखेंगे दूर दूर तक कितना सुंदर रूप देने का एक कोशिश किया जा रहा है। लोगों के बैठने की व्यवस्था और साइड से पूरे चार दीवारी में आप देखेंगे कि तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं और फूलों की क्यारियां बनाई गई हैं। दूर तक आप देखेंगे तो लोगों को बैठने के लिए जो सीट्स हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर इस पर अपनी राय देंगे मुखिया जी। मुखिया जी जरा से बताएंगे आप इस सौंदर्यकरण कार्यक्रम के विषय में कुछ। इसी साल जिला परिषद मत से हम लोगों के पंचायत का बाउंड्री हुआ, क्योंकि बाउंड्री जब तक नहीं था तो इसके आसपास में कुछ हम कर नहीं पा रहे थे। तो बाउंड्री के बाद हमको लगा कि हमारे पास काफ़ी ज़मीन है और इसका उपयोग करना चाहिए, कोई भी आए तो देखने में थोड़ा सा और खुद भी लगे कि नहीं यहाँ एक बढ़िया व्यवस्था है, तो इसको एक गार्डन के रूप में हम लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट हमने पिछले 4 साल में अनुभव किया कि जब कभी पंचायत में बड़े कार्यक्रम होते हैं या कभी महिलाओं को या वृद्धों को कंबल वगैरह वितरण या अनाज वितरण या अन्य कोई कार्यक्रम है तो वो आते हैं तो उनको बैठने की पर्याप्त मात्रा में आप सब कुर्सी को बाहर नहीं कर सकते हैं तो उनको खड़ा रहना पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों ने लोगों के बैठने के लिए छोटे छोटे सीटिंग अरेंजमेंट सीट्स बनवाए और ये गार्डन बना रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों ने 15 आम के पौधे, 20 सागवन के पौधे और 5 अमरूद है, बाकी कुछ फूल के पौधे जो आने हैं उसका ऑर्डर किया हुआ है, आजकल में आ जाएगा। पंचायत भवन में 2 हार्वेस्टिंग भी हम लोगों ने बनाया है ताकि पंचायत का भवन का और उसके आसपास का जितना भी पानी है वो सारा इस हार्वेस्टिंग में हम लोग कलेक्ट कर सकें और वाटर लेवल को हम लोग। बहुत ही यूनिक, बहुत ही ख़ास और बहुत ही फायदेमंद आपका ये पहल है। आपका ये जो पंचायत है और आपकी पंचायत का ये पंचायत भवन परिसर और ये सौंदर्यीकरण कार्य अति महत्वपूर्ण है और इससे यहाँ की आम जनता बहुत ही लाभान्वित होगी। आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय होगा, आपको